हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 111 थ्री एंजल में आपका बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही प्यारा रीडिंग लेके आए हैं दोस्तों आपके लिए, जिसमें बताया जाएगा कि आपके जो पर्सन हैं आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने अनुसार एनर्जी स्विच कर सकते हैं। और ये हम बताएंगे कि आपके पर्सन आपको क्या गाइडेंस करना चाहते हैं, और सिर्फ़ एक ही बात बताएंगे दोस्तों कि आपको वो एक बात क्या गाइडेंस करना चाहते हैं या आपको संदेश देना चाहते हैं। यहाँ पे 4 फाइल रखे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे वाइट, ब्लैक, ग्रीन और लाइट ग्रीन, चारों में से कोई एक चुन लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। पार्टनर में कोई दोस्त भी हो सकता है दोस्तों, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके प्रेमी भी हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकता है दोस्तों। इस रीडिंग में आप इंजॉय करिए, देखिए ये रीडिंग सही निकलती है। जिन्होंने फर्स्ट फाइल चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। यहाँ पे दिया गया है एक दूसरे को फ्रीडम दें, यानी जिन्होंने फर्स्ट फाइल वाइट रंग का चुना था, चाहे आपके पार्टनर आपको गाइडेंस दे रहे हैं या आपको प्यार से समझा रहे हैं या प्यार से कह रहे हैं कि एक दूसरे को हम फ्रीडम दें, यानी हम एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दें, समय दें, ताकि एक दूसरे को हम समझ पाएं। जिन्होंने सेकंड फाइल चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। प्यार का इजहार, यानी जो सेकंड फाइल चुने थे उन्होंने ये आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि जो तुम अपने अंदर प्यार छुपा के रखी हो या रखे हो, वो उसका इजहार क्यों नहीं करते हो, यानी जो तुम्हारे मन में लव की भावना है, प्यार की भावना है, स्नेह की भावना है, वो तुम मुझसे कहो, तब हम समझ पाएंगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुम्हारे दिल की बात को समझूंगा या समझूंगी। यानी आप मुझसे प्यार का इजहार करोगे तभी तो मैं समझ पाऊंगी या समझ पाऊंगा कि तुम मुझसे ढेर सारा स्नेह करते हो, ढेर सारा प्यार करते हो। जिन्होंने थर्ड स्टोन चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। यहाँ पे आपके चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पर्सन ये दे रहे हैं कि एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करना। यानी जिन्होंने थर्ड फाइल चुना था, यहाँ पे आपके दोनों के मन में ईगो की भावना है, तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो जो हमारा लव लाइफ है वो अच्छे से जाएगा और हमारा जो रिलेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग बनेगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दोनों में ईगो की भावना है, तो ईगो की भावना कम करके एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपकी लव लाइफ जो है पहले से और भी अच्छी हो जाएगी। जिन्होंने फोर्थ फाइल चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर फोर्थ फाइल के लिए निकल के आया है कि आप दोनों पार्टनर की बात हो रही है, अगर आप एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, तो क्योंकि जो दूसरा पर्सन है आप पे बहुत ज़्यादा ब्लाइंड होकर ट्रस्ट करता है, ब्लाइंड होकर आपसे प्यार करता है, तो आप उसको धोखा ना दें, धोखा से बचें, क्योंकि किसी को चीट नहीं करना चाहिए दोस्तों। यहाँ जिन्होंने फोर्थ फाइल चुना था, हो सकता है कि जिसमें दोनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर जो है एक पार्टनर को धोखा दे रहा है और उनको चीट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ये मना किया जा रहा है कि एक जो पर्सन है आपसे बहुत प्यार करता है, स्नेह करता है, आप पे ट्रस्ट करता है, उनके ट्रस्ट को ना तोड़े, उनको धोखा ना दें और इन धोखा देने से बचें, चीटिंग करने से बचें, यही आपके लिए गाइडेंस दिया जा रहा है दोस्तों। और आपके ये पर्सन दे रहे हैं, मैं नहीं दे रही हूँ, ये कार्ड दे रहा है, आपके पर्सन दे रहे हैं। अगर ये फाइल अच्छा लगता है तो लाइक करिए।